फॉलो मी। एक एक ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी चेक करो, अच्छी तरह से चेक करना। क्या बात है इंस्पेक्टर? खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर हथियार ले जाए जा रहे हैं। चेकिंग चेक। ये तो रोज का लफड़ा है, करे कौन भरे कौन। चलो जल्दी से कर लीजिए, हुसैन अपने वक्त का पक्का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर अवैध रूप से हथियार ले जाए जा रहे हैं। वो खबर गलत है, मलाड में ट्रक पकड़ी गई है, जाने दो इन्हें। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है, इन्हीं में से किसी एक ट्रक में हथियार भरे हुए हैं। सर मैंने कहा आप मुझे, मैंने कहा ना यहाँ कोई हथियार नहीं है। सर मुझे चेक तो कर लीजिए। दिस इज माय ऑर्डर, जाइए आप। सर जाइए आप। सलाम सर। जाइए, कुछ तो गड़बड़ है। बोल रहा हूँ भवानी भाई, बागमारे बोल तो है। हाँ क्या बात है बागमारे? तेरा हथियारों से भरा ट्रक चेक पोस्ट से पार करवा दिया मैंने। फिर तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारे कमीशन का 5 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बोलो। जो ट्रक निकलवाता है उसका 5 लाख, लेकिन जो जिंदगी को दाव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उसे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स, मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू। इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में ना जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई, बारूद के ढेर से ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई, औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है, एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा, इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता चलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। भदमारे हमारी बात सुन ध्यान से। अल्लाह क्या होगा? तुम फिक्र मत करो खाला, हुसैन भाईजान अभी आते ही होंगे, रजिया को कुछ नहीं होगा। हुसैन, अमीजान, क्या हुआ अमीजान? हाँ, अब रो क्यों रही हैं? क्या बात क्या है? मैंने तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे? साहब हमें परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है, हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब साहब,
ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है? क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं। अभी जुबान को लगाम दो साहब, मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हें हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ, तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद करिए हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल, क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है, लिहाजा ये अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। हम आपकी बेचैनी और परेशानी का कारण अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जिस पहलवान ने तमाम शहर में पोस्टर छपवाकर ये डिंडोरा पिटवाया है कि उसने सिर्फ दुर्योधन से ही मार खाने का, हड्डी तुड़वाने का इरादा कर लिया है, अगर वो पहलवान ही नहीं आया तो ये खेल कहां से होगा? खेल शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो खेल नहीं होगा। ये खेल होगा और जरूर होगा। तबाही के लिए तूफान का एक पल ही काफी होता है, और इस बाजार की तबाही के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी हैं। फिकर न कीजिए, वो तूफान आता ही होगा। अब 1 मिनट शेष रह गया है। हमारे महागुरु श्री बाबा ठाकुर का दावा कि तबाही का तूफान जरूर आएगा, तूफान तो नहीं आया लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का पसीना जरूर आ गया है। राजू ना अब तक आया है ना ही आएगा, इसलिए बिना खेल खेले हम दुर्योधन को विजय। खेल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। उस
उससे पहले नहीं। राजू बेटे तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो वही मेरी जिंदगी पर हवा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं, अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कात्रे का खून किया है। ये खून ही है? का भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर भाजी, इनको हथकड़ी लगाओ लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूँ। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। अरे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं अपनी मौत को ललकारा है। तुमरा कलेजा हमरे कलेजे पे लटक रहा है। बुझाया? Yeah!
राजू बेटे, पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो, फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। अच्छा बच्चे, सिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कब चैंपियन, चैंपियन, इधर को खोलने की कोशिश करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहां से जिंदा बचे नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा। कात्रे, विजय श्रीवास्तव जेलर को जान से मारकर जेल से फरार हो जाता है और सेठ त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पुरानी दुश्मनी। लेकिन विजय श्रीवास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था, क्योंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजाय वो बंबई शहर में था, जहां मेरी बेटी की आंखों के सामने उसने दीपक को किडनैप किया था। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता नहीं, यही हुआ है। विजय श्रीवास्तव जेल से बाहर आता है और वापस जेल चला जाता है। अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापस जेल क्यों गया? कात्रे, तुम दीपक की मां पर नजर रखो। क्यों सर? जिसका बेटा 3 दिन से लापता हो और उसने अब तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, इसके पीछे जरूर कोई राज है। थैंक यू सर। सर, आपने मुझे बुलाया है। ये जो कड़क वर्दी से अकड़े जा रहे हो ना, थोड़ी सी कलम हिला दी तो आपका ट्रांसफर ये महानगर से सीधे गंगानगर हो जाएगा, जहां ना ही गंगा बहती है और ना ही गंगा जल मिलता है। मेरी गलती क्या? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। विजय श्रीवास्तव अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, उसे देखते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके क्या करोगे? वो कोई देश का नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और आप कहते कि गिरफ्तार कर लेंगे? अरे देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दीजिए, समझे? यस सर। अब आप फौरन जाइए, वरना जब तक आप रोड पे पहुंचेंगे वो एक अदौर को टपका चुका होगा। जाइए। यस सर। विजय, काल के पालतू कुत्ते, <音><音><音><音><音><音><音><音>
नहीं तो कल पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही दे। हेलो, जिन लोगों की आड़ में छुपकर तो शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश सोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश? अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मंत्री जी, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे दमे की शिकायत हो गई है और समुद्र का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा। समुद्र का किनारा सूट नहीं कर रहा है? अच्छा, या विजय श्रीवास्तव का धमाका सूट नहीं कर रहा है? विजय, विजय कमीना देशमुख आज रात को एक म्यूजिक कंपनी के सालाना फंक्शन में चीफ गेस्ट बनके जा रहा है। कहाँ? भाईदास हॉल। सर आपका फोन। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। त्रिकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालतू कुत्ते देशमुख को, क्योंकि आज रात का फंक्शन उसकी जिंदगी का आखिरी फंक्शन होगा। You bastard! भाइयों और बहनों, यशवंत देशमुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी आफ्ताब म्यूजिक इंडस्ट्रीज यानी कि एस सीरीज के सालाना जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताएं। यशवंत देशमुख। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये लीजिए, जिंदगी भर वो पढ़ते रहे हो जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो जो विजय श्रीवास्तव ने लिखा है। विजय श्रीवास्तव? तुम्हारे गले में जो हार है उसमें एक बम है। हार उतारने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो बटन दबाते ही तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनते गिनते तुम्हारे औलाद की उम्र गुजर जाएगी। मिस्टर देशमुख, प्लीज कम। भाइयों और बहनों, दुनिया कहती है कि मैं कानून का एक वफादार सिपाही हूं। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। मैं शेर नहीं, कुत्ता हूं मैं, पालतू कुत्ता। ओह नो, ऐसा कुत्ता जो झूठी हड्डियां चाटने के लिए हमेशा मुजरिमों और देशद्रोहियों का साथ देता रहा है, उनके सामने दुम हिलाता रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप लोग नहीं जानते हैं, मैं ही वो आदमी हूं जिसने इस मुल्क के गद्दारों से मिलकर आतंकवादियों को बारूद बेचा, लोगों के खून से होली खेली, सुहागनों को विधवा बनाया, मासूमों की जान ली। मैं ही वो आदमी हूं। शहर में बम फटने से जितनी भी जाने गई उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझ जैसे कुत्ते को फूलों का हार नहीं, जूतों का हार पहनाना चाहिए। मेरे पास नहीं,
जी प्रताप सिंह, पहले तो वो सिर्फ आम आदमियों को मार रहा था, अब उसने पुलिस वालों की भी जान लेनी शुरू कर दी। इस बात का कोई सबूत नहीं है जनाब मिनिस्टर साहब कि यशवंत देशमुख का कत्ल विजय श्रीवास्तव ने किया है, नंबर एक। और नंबर दो, यशवंत देशमुख ने खुद इस बात का इकबाल किया था कि वो एक पुलिस वाला नहीं कुत्ता था, और कुत्ते को मारना इस देश में जुर्म नहीं माना जाता। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं खुद इस कुत्ते को नहीं मार सका, लेकिन बचे हुए कुत्तों को मैं जरूर मारूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने। क्या हुआ मेरे बेटे को? हुआ तो नहीं, अगर हो जाएगा, अगर आपने वो बैग त्रिकाल को नहीं दिया जिसमें उसकी जिंदगी बंद है, लौटा दीजिए वो बैग, वरना वो हमारे बेटे को मार डालेगा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उस कसाई का क्या भरोसा? कसाई बकरे की जान तभी लेता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुरा नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, इसलिए अब सौदा होगा। May I come in, sir? Come in. बोलो कात्रे। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था, और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए।